अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई डॉक्टर मोहम्मद अकरम, डिपार्टमेंट ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। अब हम डिस्कस करते हैं हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट को, या उसको पेंटोज फॉस्फेट शंट भी कहा जाता है। इसके अंदर जो है वो तीन ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो एंटर होते हैं। अच्छा, हमने जब पाथवे शो करना है तो पाथवे शो करने के लिए हम जो है वो दोनों राइट एंड लेफ़्ट साइड पर जो ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट होंगे उनसे डायरेक्ट जो है वो बना लेंगे राइबुलोज फाइव फॉस्फेट। लेकिन दरमियान वाला जो है उससे हम उसके जो पाथवे है उसको शो करेंगे। अच्छा, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट चेंज होता है सिक्स फॉस्फो ग्लूकोनोलेक्टोन और ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम इस्तेमाल होता है और NADP चेंज होता है NADPH2 में। उसके बाद सिक्स फॉस्फो ग्लूकोनोलेक्टोन चेंज जो होता है सिक्स फॉस्फो ग्लूकोनेट के अंदर, और ये जो है सिक्स फॉस्फो ग्लूकोनेट हाइड्रोलेज एंजाइम इसमें यूज़ होता है और वाटर ऐड होता है। अब ये जब सिक्स फॉस्फो ग्लूकोनेट बनता है तो ये राइबुलोज फाइव फॉस्फेट में चेंज होता है और यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है, यानी कि NADPH2 में चेंज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड इससे निकलती है और एक कार्बन यानी कि कम हो जाता है और ये डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शंस हैं। तो ये ऑक्सीडेटिव पाथवे है जो कि HMP शंट का है।